हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल बासित। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी के भरपूर तरीके से भाई मज़े उड़ा रहे होंगे। अभी जो भाई हम अल्हम्दुलिल्लाह उठ गए हैं, नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया अल्लाह के फजल करम से, और आज जो है वो भाई बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो वो क्या एक्टिविटीज़ है अभी हम आपको दिखाते हैं। आपको याद होगा अपने प्रीवियस व्लॉग में बकरे लेके आए थे, तो अभी हम आपको दिखाते। अच्छा यार, कुछ गलती की वजह से तकरीबन 5 व्लॉग्स मुझसे डिलीट हो गए, इसीलिए उसके आगे के व्लॉग्स में लाया कीजिए। अच्छा भाई, तो अभी हम आपको दिखाते हैं अपने बकरे। ये रहा भाई, ये रहा। क्या हुआ भाई, हैं? क्या हुआ? छोटे से खेलने से ठीक हो? सही गुजरी रात भाई, हैं? नई जगह पे सही जगह गुजरी रात। अबे ले अपना काम कर। तो भाई ये अभी माशाल्लाह से अभी हम इनको जो है वो ज़िबा कर देंगे थोड़ी देर में, इंशाल्लाह बुचर आएगा और फिर हम इनको ज़िबा कर देंगे। बिस्मिल्लाह, अल्लाह हू अकबर। ऑलराइट, सो भाई हमारा एक बकरा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को प्यारा हो गया है। और हाँ, वही हमारे फराज भाई हैं माशाल्लाह, जो इस काम को सर अंजाम दे रहे हैं। और ये भाई अभी आप लोगों को हमने दिखाया था जो हमारा घर बन रहा है। पहले जब कोई काम खैर खैरियत से अल्लाह ताला के हुक्म से हो रहा होता है ना, तो ज़रूरी है कि आप उसमें सदका करें। तो उसके लिए हमने कहा कि भाई ये इसको ज़िबा करके इंशाल्लाह सदके के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा भाई, एक बकरा हमारा ज़िबा हो गया, अब जो है वो इन दो की बारी है। बेसिकली ये दो बकरे जो है वो अकीके के लिए हैं भाई, हमारे मुन्ने के अकीके के लिए। तो हाँ, इनको लेके जाएंगे। आ जाओ भाई, चलो बांकेटेंगे बिस्मिल्लाह। हाँ भाई दोस्तों, तो सुबह के जो काम थे सारे बकरा वगैरह के, वो हम अल्हम्दुलिल्लाह करके फ्री हो चुके हैं और अब हम आए हैं प्लॉट पे चक्कर लगाने। अल्हम्दुलिल्लाह भाई यहाँ पे जो हमारा काम शुरू हुआ है अल्लाह के फजल करम से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई आज होगी भराई, तो ये मशीन लगी हुई है माशाल्लाह। मशीन लगी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पे जो है वो काम चल रहा है वीआईपी तरीके से। देखिए ये इसके अंदर भराई कर रहे हैं। सबसे पहले ये बारीक वाला क्रक डालेंगे, उसके बाद जो है वो ये रेती डालेंगे, उसके बाद उसमें सीमेंट ऑलरेडी डल चुका है, सीमेंट डला हुआ है, उसके बाद फिर ये मिक्स होगा, मिक्स होकर माल बनेगा और उसके बाद चल मेरा भाई वीआईपी तरीके से उसके अंदर चला जाएगा। अभी देखो ये हमारी इंशाल्लाह जो है वो प्लिंथ की भराई हो जाएगी आज, और उसके बाद जो है वो ऊपर का सेटअप जब फिर ये सूखेगा उसके बाद बाकी। अभी फिलहाल टैंक का काम स्टार्ट होगा, इसके बाद जो वाटर टैंक होता है नीचे वो, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें इंशाल्लाह स्टार्ट होंगी अल्लाह के फजल करम। ये देखो भाई ये बना के आया माल, ये निकाल में सही जी, ये इन्होंने लिया भाई। ये भर दिया तो भाई इस तरीके से जो है वो ये इन खांचों के अंदर भर जाएगा सारा। ये देखो ये इसमें पूरे में माल आ जाएगा ऊपर तक, जो है वो ऊपर तक भर जाएगा। फिर ये ज़रा ठोस हटा बचो तरीके से भी हम ये देखें कि सारा मिला देंगे। ये ऊपर सारा मिला देंगे और उसके बाद जो है वो चाल चलती रहेगी। ये अंदर पूरा घुमाएगा भाई, लस्सी बनाएगा इसे, ठीक है? ये लस्सी बन रही है। बाकी मैं आपको पानी का सेटअप भी दिखाता हूँ, जो मैंने आपको बताया था मोटर का, वो ये हमने लगाई हुई है। देखें मोटर सोलर प्लेट के साथ, ये हमने देखें ये लगाई हुई है। वो जो भाई के टैंक में हमने पानी भरवाया था, आप लोगों को याद है लास्ट टाइम दिखाया था मैंने, यहाँ हमने सोलर प्लेट रखी है, उसके साथ बैटरी लगाई है ताकि वो इसको चार्ज करती रहे। और फिर साथ में ये 12 वोल्ट की मोटर है, ना कोई आवाज़ ना कोई शोर शराबा, डग 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 डग, कोई ऐसी पंचायत नहीं है, आराम से बिल्कुल इत्मीनान से वीआईपी तरीके से ये चल रही है। और वहाँ पर जो है वो पानी सप्लाई हो रहा है, वीवीआईपी काम हो गया भाई। ये देखें कैसे चल रही है भैया, बेहतरीन तरीके से यहाँ से पानी उसमें से
ओ वहाँ से पानी निकाला, चल मेरा भाई उधर। तो इस तरीके से भाई ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है, और हम जो है वो इन भाइयों के लिए भी जो है वो गोश्त ले आए बाइक में लगा हुआ है, उनको भी गोश्त वगैरह दे देंगे। तो ये वाला सीन है भाई, हम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है इसी तरीके से। ये देखो भाई कैसे माल मिक्स हो रहा है, बढ़ के तो अल्हम्दुलिल्लाह न्याज भाई ये वाला काम हमारा होने लगा है अल्लाह के फजलो करम से। तो अभी आप मुझे कुछ बता रहे थे कि ये जो पूरी प्लेंथ है इसकी एक साथ और टुकड़ों टुकड़ों में, वो जरा क्या बता रहे थे जरा समझाएं। अगर एक साथ भराई करेंगे तो पूरी प्लेंथ की ताकत आएगी, जैसे ये हमने एक साथ इतना ऊंचा है और इसी में पूरा एक भराई कर दी। हाँ एक कर दिया, अगर इसमें हम दो हिस्सों में करते ना तो फिर अच्छा। वो जोड़ आ जाता, वो ताकत नहीं आती। जैसे कुछ लोग जोड़ करते हैं, जैसे आपने ये दिखाया, देखें ये भाई ने दिखाया मुझे कि जैसे ये सामने वाले बंदे ने बनाया, इसमें दो जोड़ आ रहे हैं, एक नीचे का पट्टा पहले है और फिर उसके बाद दूसरा। तो नियाज भाई ऐसा क्यों करते हैं लोग, ये दो हिस्से में कैसे किया? ये सिर्फ 2-4 हज़ार बचाने के चक्कर में ना इसलिए करते हैं। अच्छा, मतलब क्या 2-4 कैसे बचेंगे? भाई अभी 5 बंदे लगा दिए, नीचे का हिस्सा लगा दिए, फिर आप जब भराई होगी तो फिर 5 बंदे लगा दिए। मतलब वो मशीन इस्तेमाल नहीं करते? मशीन इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे उनका 10 हज़ार में काम हो जाता है, ऐसे हमारा 15-20 हज़ार में। समझ गया, यानी कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि अगर जो भी ठेकेदार होगा वो पैसे बचाने के चक्कर में वो आदमियों को इस्तेमाल करके माल बना के उसमें डलवाता है, मशीन को यूज नहीं करता, माल भी सही नहीं मिलता है, मालिक का नुकसान होता है। समझ गया, लेकिन हमने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मशीन से काम कर रहे हैं जी, और सारा जो है वो इसके अंदर VIP तरीके से एक लेवल में आएगा, कोई जोड़ वोड़ नहीं होगा, जोड़ नहीं होगा, ताकत होगी उसका। समझ गया। और अच्छा, माल भी ऐसा बना रहे हैं ना, ढाई ढाई ट्राली रेती डाल रहे हैं, एक ट्राली करेंट डाल रहे हैं, डेढ़ ट्राली मेकअप माल डाल रहे हैं। अच्छा, इस तरीके से ये आपने रेशो रखा हुआ है, रेशो रखा हुआ ताकि माल ताकत आए माल। अच्छा, अब आगे का मुझे प्रोसेस बताएं, अभी ये हो जाएगा, अब ये सूखेगा, अब हमारे कल का क्या करना है हमें? कल ये शटर खोलेंगे, परसों से हमारी टैंकी खुदाई होगी। अच्छा, कल तक ये सूख जाएगा जी इंशाल्लाह, कल ये पूरी शटरिंग खोल देंगे, कल ये खोलेंगे फिर परसों से हमारी टैंकी खुदाई होगी। अच्छा, ये वहाँ पे वाटर टैंक जो है वो यहाँ पे वाटर का टैंक जो है वो खुदना शुरू हो जाएगा जी, और फिर ये जब टैंकी की मुकम्मल हो जाएगी हाँ, उसके बाद हम लोग भराई शुरू कर देंगे। अच्छा, फिर इसके अंदर हमने माल डालना है भाई, इसमें क्या डालना है, मलबा डालना है, मिट्टी डालनी है? इसमें मिट्टी डाल दो ताकि मलबे से वो सुराख रह जाते हैं। हाँ, मलबा तो जाहिर पत्थर होता है, उसमें चूहे शुहे घुस जाते हैं तो वो सुराख करते रहते हैं। समझ गया, यानी मिट्टी डालेंगे तो ठोस हो जाएगा, मिट्टी डाल के फिर उसमें पानी छोड़ेंगे हाँ, ताकि वो जितना बैठना है बैठ जाएगा और पक्का हो जाएगा। ये बड़ी ज़बरदस्त यार, बहुत अच्छी बात बताई आपने। ये अभी हमारा कितनी देर का काम रह गया है ये भराई वाला, ये माल डालने का तकरीबन 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में ये इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। इंशाल्लाह भाई अल्लाह के फजलो करम से हमारा ये प्लेंथ का काम जो है वो तकरीबन पाए तकमील पर है, और उसके बाद टैंक और फिर आगे के मराहल तय करेंगे इंशाल्लाह। तो बहरहाल चल अल्हम्दुलिल्लाह भाई अल्लाह के हुक्म से हमारा काम कम्प्लीट हो गया, बस ये पैकअप चल रहा है, और आज का सारा काम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से फिनिश्ड अल्हम्दुलिल्लाह। आज के व्लॉग को भाई हम यहीं पे एंड करते हैं नियाज भाई के साथ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।